हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय रेवा श्री बगिया। मैं नेहा राजपूत आज आपको तुलसी के बारे में कुछ जानकारी शेयर कर रही हूँ। तुलसी के प्लांट को हम होली बेसिल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ मेरे पास में दो तुलसी के प्लांट हैं, एक ये श्याम तुलसी और एक ये राम तुलसी। तुलसी के लिए हमें पांच बातों का ध्यान मुख्यतः रखना होता है, जो कि जिसमें सबसे पहले हम इसकी सॉइल कैसे लें। सॉइल आप इसकी वेल ड्रेन बनाएंगे तो इसमें पानी नहीं ठहरेगा। सॉइल के लिए आप इसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर आप कुछ भी सरसों खली, नीम खली कुछ भी ले सकते हैं, और एक हिस्सा इसमें रेती सैंड का ले, जिससे इसकी जो मिट्टी है वो पूरी वेल ड्रेन बने। इसमें मिट्टी में अगर पानी रुकेगा तो ये पौधा सरवाइव नहीं करेगा। तुलसी के प्लांट को दूसरी जो मुख्य बात है वो हम सनलाइट की करेंगे। सनलाइट इसको जो सूर्य की रोशनी है वो पूरी तरह से दिन भर का अगर आप इसको सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रीन दिखाई देगा और बुशी लगेगा। तीसरी बात जो है फर्टिलाइजर की, तो तुलसी के प्लांट में आप जब एक बार मिट्टी बनाते हैं तो इसको लगाते टाइम पे आप गोबर की खाद या फिर नीम खली, सरसों खली ये सब अच्छे से दे दें। उसके बाद एक बार स्प्रिंग में और एक बार रेनी सीजन में आप इसको एक एक मुट्ठी, अगर आपका इतना बड़ा गमला है, ये 12 इंच का अगर गमला है आपका, तो आप इसमें उस हिसाब से एक मुट्ठी दो मुट्ठी इसमें खाद डाल सकते हैं। अगर आप इसको जमीन में लगा रहे हैं तो जमीन में तुलसी का प्लांट 4 से 5 फीट की ऊंचाई ले सकता है। अब बात करते हैं इसमें प्रूनिंग या पिंचिंग की। तो तुलसी के प्लांट में हमें कोई बार बार कटाई छटाई की जरूरत नहीं होती है, मगर अगर आप इसको घना बनाना चाहते हैं तो इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना कि इसमें जो मंजरी आती है, जैसे मैंने तोड़ के रखी है आपको बताने के लिए पहले से, इस तरह से जो मंजरी आती है आप इसके फूल जो बनते हैं उसको नहीं बनने दें। अगर आप इस तरह से इसमें मंजरियां बनेंगी तो ये प्लांट जो है वो पूरा इसका न्यूट्रिशन जो है ये सीड्स बनाने में लगा देगा, जो कि इसको घना नहीं बनाएगा। जैसे कि आप मेरी ये श्याम तुलसी देख रहे हैं, श्याम तुलसी को मैंने बिल्कुल बार बार प्रून किया हुआ है। जैसे पिंचिंग ही हम कर सकते हैं इसको, जब भी इसमें सीड्स बने तो आप इसके तोड़ते रहे सीड्स को जो बनने ना दे, तो उससे क्या होगा ये पौधा घना दिखेगा। इसके बाद में आप इसमें जो बहुत जरूरी चीज है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा सनलाइट प्रदान करें। अगर आप इसको पूरी धूप में रखेंगे तो ये प्लांट आपको पूरा ग्रीन दिखाई देगा, और अगर आपको आप इसको सेमी शेड में रखते हैं तो फिर ये पौधा आपका, इसकी पत्तियां मुड़ने लग जाएंगी, पत्तियां पीली पड़ के गिरने लग जाएंगी, तो इस तरह से आप इसकी केयर कर सकते हैं। इसके बाद में आप एक टिप्स और है कि आप इसको वास्तु के हिसाब से, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में देखा गया, अगर आप इसमें सुबह मॉर्निंग में सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं तो अगर उसका पानी इसमें गिरता है तो ये आपके हेल्थ और वेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है।